भारतीय टीम भले ही टेस्ट सीरीज में संघर्ष करते दिख रही हो, पर कप्तान विराट कोहली अभी भी उसी लय में हैं जिसके लिए वो जाने जाते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के 2 मुकाबले हारने के बाद तीसरे मैच में भारत ने मजबूत पकड़ बना ली। पहली पारी में कोहली 97 रन पर आउट हो गए, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने 103 रनों की पारी खेल इंग्लैंड के लिए मैच बचाना मुश्किल कर दिया। कोहली की इस पारी ने 17 साल पुराना इतिहास दोहरा दिया। उन्होंने 17 साल बाद वही काम किया जो कभी सचिन तेंदुलकर ने किया था। कोहली ने सचिन के एक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। ये रिकॉर्ड विचित्र संयोग की वजह से बन पाया है। ये कोहली का टेस्ट मैचों में 23वां और इंटरनेशनल करियर में 58वां शतक था। साल 2001 में 28 साल की उम्र में सचिन ने इंग्लैंड के ही खिलाफ 103 रन बनाकर अपनी 58वीं इंटरनेशनल सेंचुरी लगाई थी। वहीं अब 17 साल बाद 2018 में विराट कोहली ने इंग्लैंड के ही खिलाफ खेलते हुए अपना 58वां अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाया। उन्होंने भी अपनी पारी में 103 ही रन बनाए। इतना ही नहीं, विराट कोहली ने मौजूदा सीरीज के शुरुआती 3 टेस्ट मैचों में 73.33 की औसत से 440 रन बना लिए हैं। ये किसी भारतीय कप्तान द्वारा इंग्लैंड में किसी टेस्ट सीरीज में बनाए गए सबसे ज्यादा रन हैं। इससे पहले 1990 में मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 85.20 की औसत से 426 रन बनाए थे। सेट न्यूज़ की रिपोर्ट।